वही चेहरा है, वही चेहरा जिसके नाम पे दो दो चॉपर्स हैं, 14.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है वो भाई, मतलब एंड पर्टिकुलर इस सुजुकी इंजन की ये बहुत अच्छी चीज है। सो गाइस सबसे वीडियो आने वाले हैं डेली, मतलब एक दिन टर्बो एक्सट्रीम पे, एक दिन टर्बो गैराज पे। टर्बो एक्सट्रीम पे आएगा 7:30 AM और नेक्स्ट डे आएगा 6:00 टर्बो एक्सट्रीम गैराज पे, एंड अगले दिन फिर से टर्बो एक्सट्रीम पे सुबह 7:30 बजे। हाँ जी, व्हाट आर यू स्निफिंग? व्हाट आर यू स्निफिंग? दिस इज अ पॉलिश, पॉलिश मार दो तेरे, ऐसे कर पुश 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 पुश। वैसे इसमें पॉलिश मार दूँ कैसा लगेगा? चमक जाएगा मेरा बेटा, वैसे चमका हुआ ही रहता है और खुश खुश रहता है। एसी चला दो बस, यहाँ पे ये एसी चला दो और ये आजकल नया ठिकाना मिल गया, सीधी हवा आती है और यहाँ के बैठ जाते हैं। ये एक मैडम यहाँ पे पूरे जूम, तो यहाँ से तो जूम पूरे भी नहीं नजर आ रहे, मतलब पूरे नजर आ रहे हो यहाँ से। ऐसे ऐसे जो भी करा मुझे पता है, वो फोकस मेरे चेहरे पे करना, फोकस आपके चेहरे पे, तो ऐसे आएगा, ऐसे 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 आता है। सब हो गया, हो गया। हाँ अब बोलो। और फिर घटिया से मीम्स बना देते हो, यहाँ से घटिया से मीम्स बना देते हो। ये बैठा मीम्स बनाने वाला, ये रहा। दोनों मैंने नहीं बनाए, मैं तो खाली उसको बोलता हूँ, वो कर देता है, मेरी क्या गलती है? बोलते तो आप ही हो, तो आप रोक लिया करो, घर में तो आप भी रहते हो। नहीं ना, होम मिनिस्टर तो आप ही हो, बॉस हो आप, इतना टाइम नहीं होता। और क्या, बाद में लोग भेजते हैं मुझे, ऐसे हुआ आपके साथ। हाँ, धन दौलत तो सारी अपने नाम पे करा ली, बचा क्या है? काहे मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, वो मेरे नाम पे तो कुछ था ही नहीं पहले भी। कोई बात नहीं है। चलो एनीवेज, आज यहाँ से चलते हैं NS1 पर उससे पहले थोड़ा सा क्या बताऊंगा आज कुछ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या सीधी बाइक चलानी चाहिए? एक काम करते हैं, NS1 चलते हैं, वहां पे करेंगे बाकी की बातें। तो गाइस मैं आ गया हूँ NS1 पे और मुझे ये हेलमेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट ये हेलमेट है करीब करीब 5,000 रुपये का, एक्सोर का हेलमेट 5,000 रुपये का, बहुत ही ज़बरदस्त हेलमेट लग रहा है। तो गाइस अब देरी किस बात की है, सीधा चलते हैं यहाँ से बाइक राइड पे। आज पहले बाइक राइड करेंगे और आके बताऊँगा सारी डिटेल्स इसी बाइक के बारे में, और बाइक है काफ़ी स्पेशल, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक इन द कंट्री, मतलब जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड और यहाँ पे आ चुकी है NS1 पे फॉर सेल। तो ऐसी भी बाइक होती है, ये ऐसी बाइक्स होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाइक्स ले लेते हैं और उनको थोड़े दिन चलाते हैं और बेच देते हैं। भाई जेब में जब हो ऐसे नोट शोट तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, और कोविड के बाद तो वैसे भी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो अपन ने भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। जैसे पहले मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा बचाता था, आजकल मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करता हूँ, बट खर्च करता हूँ बिल्कुल वाइजली, मतलब जैसे अपना बाइक का कलेक्शन बढ़ रहा है डे बाय डे, वैसे ही अब ये वाली बाइक भी ट्राई कर लेते हैं, और अगर पसंद आ गई तो क्या पता शायद अपने गैराज में भी आ जाए। हाँ जी, दिख रहा है यही चेहरा, ये देखो ये ऐसे, ये वही चेहरा है, वही चेहरा जिसके नाम पे दो दो चॉपर्स हैं, और फिर भी ऐसे कहते हैं कि वाइसली, तो और कैसे वाइसली खर्च होते हैं, मतलब 28 करोड़ के आपने दो चॉपर ले रखे चेहरे पे, कर ले तो जूम तो चपेड़े। 28 करोड़ के दो चॉपर खरीदने के बाद, ठीक है, हम अगर एक 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की अगर एक बाइक खरीद लेता है ये गरीब आदमी, ये गरीब इंसान, तो क्या बिगड़ जाता है आपका, ये बताओ। ऐसे नहीं बोलते ज़्यादा, मतलब ये अमीर इंसान, गरीब नहीं बोलना कभी भी अपने आप को, हमेशा अमीर बोलना है। तो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एंजॉय दिस बाइक टुडे व्हाइल राइडिंग। सो गाइज हियर इज द बाइक, ऐसा दिखता है कुछ मीटर, और ये मैंने स्टार्ट कर ली बाइक और अब लेके चलते हैं। वैसे मैंने सुना है इस बाइक की पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक्चुअल में काफ़ी अच्छी पावर है, तो लेट्स चेक इट। खतरनाक, मतलब बहुत ही जबरदस्त चल रही है। भाई सुपर लाउड है एक पर ये, मतलब एक्चुअल में अच्छी लाउड मशीन है ये, कोई
क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर वर्किंग गुड, ट्रैक्शन कंट्रोल भी बंद पड़ा है इसका, इसलिए ये वाली एरर आ रही है। तो ट्रैक्शन भी बंद किया हुआ है, अब ट्रैक्शन वैक्शन ऑन करेंगे बाद में। दिस इज सुपर इलेक्ट्रॉनिक बाइक, मतलब फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज 1000 cc, मुझे नहीं पता ये कितने bhp है, अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का इसके बारे में, बट बाइक को चला के मज़ा आ गया। मतलब ये जितनी भी मैंने अभी तक खींची है ये बहुत इजी थी, थोड़ी सी हैवीनेस है बाइक के अंदर, ये हल्की बाइक नहीं है। मतलब अगर आप सोचो कि इसको ज़िगज़ैग कर लो बिल्कुल इजी थी, तो वैसी नहीं है, मतलब सुजुकी जैसी होती है नॉर्मली, ये बिल्कुल वैसी ही है। ये पूरा जो मीटर स्टाइलिंग है ये जिक्सर जैसा ही है, जो मेरे पास जिक्सर थी बिल्कुल वैसी है, पहले ये लाइट फिर वो लाइट फिर वो लाइट, RPM बिल्कुल वैसे ही चलता है इसका। ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त, गुड गुड सुजुकी, मतलब ब्रेकिंग पे आपने वर्किंग की है, इस पे काफी अच्छी खासी वर्किंग की हुई है ब्रेकिंग में। वैसे जिक्सर की भी ब्रेकिंग मुझे पर्सनली बड़ी पसंद थी, मजेदार बाइक, सुपर फन, सुपर फन। अच्छा लाउड इतनी ज्यादा है तो इसलिए फन और ज्यादा आ रहा है चलाने में। तो क्या होता है जैसे ही बाइक लाउड हो जाती है ना, वैसे ही एक चीज अच्छी ऐड हो जाती है कि बाइक के साथ ना फन करने लग जाते हो, आपकी एक मस्ती चालू हो जाती है बाइक के साथ में, ये एक अच्छी बात होती है। वैसे ये एक्चुअल में लाउड इतनी है कि डरा दे किसी को भी अच्छा खासा। अब मैंने क्या है अभी माइक का पूरा सेटिंग चेंज की है हेलमेट की, तो मे बी शायद बाहर से इतनी अच्छी आवाज नहीं आ रही हो जितनी नॉर्मली ये लाउडनेस है इस बाइक की। बट जैसे कि आपने फ्लाई बाय कैमरे में देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हल्के में नहीं ले सकते इसकी साउंड को, और एक्चुअल में ये मतलब बहुत ही इजीली पुलिस वगैरह को आराम से एक बार तो मतलब एहसास दिला सकती है कि भाई कोई आ रहा है और उसको रोक लो। ये समस्या है। तो बाइक ट्रैफिक में इजी है, थोड़ा सा सिटिंग जो पोस्चर है वो हल्का सा, पता नहीं मैं अभी एग्जैक्टली रुकूंगा तब बताऊंगा कि मुझे कहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। मतलब स्पेशली जब मैं ये पैरों से इसको लॉक कर रहा हूँ, यहाँ से पैरों से लॉक कर रहा हूँ तो ये लॉक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक तो इसमें ट्रैक्शन पैड नहीं लगे हुए, शायद ये भी रीज़न है। दूसरा इसकी जो टैंक की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वैसे इस कंप्लीट बाइक की शेप ही जो है वो थोड़ी डिफरेंट ही है। मतलब हेटेड और लवेड वाला मामला है ये, हो सकता है किसी को बिल्कुल ही अगली लगे, हो सकता है किसी को बहुत ही पसंद आ जाए। जिनको रेट्रो चीज़ें पसंद आती हैं उनको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी, जिनको रेट्रो चीज़ें नहीं पसंद आती, मॉडर्न चीज़ें पसंद आती हैं उनको बिल्कुल बकवास लगेगी। तो स्टाइलिंग एक्चुअल में इस बाइक का ऐसा ही है, ये तो हुई स्टाइलिंग की बात। तो बट पावर के मामले में मुझे अच्छी लगी, ब्रेकिंग अच्छी है, सस्पेंशन ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, ऑल एंड ऑल ठीक है। मतलब तो ये यस गुड गुड वन गुड वन। बहुत इजीली 140 चली गई, क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर वर्किंग सो गुड। ये देखो शिफ्टर की आवाज़ आ गई होगी, शिफ्टिंग की बहुत मज़ेदार शिफ्टिंग कर रही है, बहुत ही फैदर टच, मतलब क्विक शिफ्टर है, बहुत ही फैदर टच, सुपर अमेजिंग, मतलब टच में तो मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है कटाना, CKATANA। अब इसके अंदर ना एक झोल है, झोल ये है कि KATA के बीच में अगर स्पेस डाल दें तो क्या हो जाएगा समझ जाओ। नीचे कमेंट्स करके बता देना जो भी समझ गए हैं। सो हियर इज द बाइक लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कलर बहुत ही अच्छा है, मतलब दिस इज ऑल ब्लू विद अ मैट फिनिश, डिफरेंट कलर है, ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी डिफरेंट कलर है। अभी मैंने थर्ड गियर में उठाई थी, अब एक काम करते हैं गियर्स चेक कर लेते हैं कि क्या हायाबूसा वाली लेगेसी है इसके अंदर, मतलब अगर मैं सिक्स गियर में हूँ तो कितना नीचे तक जा सकते हैं बहुत आराम से। यस दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंजन कि अभी मैं ये देखो 37-35 की स्पीड पे ये मैंने रोल ऑन चालू किया सिक्स गियर में। तो ये था सिक्स्थ गियर में कमाल इस इंजन का, मतलब इस बाइक को आप इजीली क्रूज कर सकते हो, मतलब आपने गियर लगाया और बस चलते रहो चलते रहो, आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनलाइन फोर इंजन की खासियत होती है, एंड पर्टिकुलर इस सुजुकी इंजन की ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब सुजुकी के इंजन ना इस मामले में काफ़ी रिफाइन होते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस वाले इंजन होते हैं ये, मतलब इनके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी कोई तकलीफ नहीं आती, बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो एंड चलाते ही रहो।
पीछे खड़ा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेव सुना दूंगा आपको अंडर टनल पे। अंडर टनल मतलब अंडर मेट्रो, दैट वुड बी द राइट वर्ड, अंडर मेट्रो। तो ये मैंने ले ली अंदर और ये अपन घुस गए सर्विस लेन में। आ गई शांति मची, बिल्कुल शांत हो गया एकदम माहौल। और बाइक के अगर डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी सारी डिटेल है गाइस इसमें अंदर, मतलब मेरे को हर चीज़ दिख रही है। ट्रैक्शन अभी ऑफ किया हुआ है इसीलिए ये टीसी की लाइट जल रही है और ये वाली लाइट जल रही है। एंड यहाँ पे 49 किलोमीटर चली हुई, 2500 किलोमीटर सिर्फ बाइक चली हुई है, 14.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। ओ भाई, मतलब एक सुपर बाइक एवरेज दे रही है 14.2। मैं भी भगा के भी आया हूँ फिर भी टेम्परेचर 91 के आसपास दिखा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। RPM लेवल इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली 11,000-11,500 पीक पे चला जाता है, मतलब इंजन लाइफ होने वाली है और भी ज़बरदस्त। क्या जितना RPM ज़्यादा रेंज हो जाती है ना, वैसे ही इंजन की लाइफ थोड़ी थोड़ी घटने लग जाती है, पर बाइक और भी ज़्यादा पावरफुल होने लग जाती है उसी के साथ साथ। तो बाइक से अब एक बार उतर के थोड़ी सी बाइक को दिखाता हूँ ढंग से बाहर से, मतलब शोरूम के अंदर खड़ा करके, एंड उसके बाद बताना मुझे बाइक कैसी लग रही है। वैसे अभी दिखती है बाइक कुछ ऐसी, बड़ी रेट्रो स्टाइलिंग है, मतलब अगर पीछे से भी देखते हैं तो बहुत ही रेट्रो स्टाइलिंग बाइक की। बाइक अच्छी लग रही है दिखने में, मतलब बुरी नहीं लग रही। बट अगर आगे के फ्रंट की लुक की बात करूं मैं, तो फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है जो या तो आपको बहुत पसंद आ जाएगा या आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मतलब ऐसा लुक है इसका। मुझे याद नहीं है पर कोई एक हिंदी मूवी थी जिसके अंदर बहुत पहले ऐसी कोई एक रेट्रो बाइक कटाना ही कोई सुपरस्टार चला रहा था, मेरे ख्याल से या तो सलमान खान था या कोई और था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट यस, ये बाइक मैंने इन रेट्रो शेप देखी हुई है। See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. So guys, here is the bike and bike looks actually good. मतलब मेरे को honestly बताऊँ तो इसका look पहली बार जब मैंने देखा था in pics तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, but जब reality में देखा तो definitely अच्छा लगा। इसके अंदर एक कमी है, जब अपन बैठते हैं ना तो हमेशा बाइक को उन पैरों से होल्ड करते हैं यहाँ से, तो इसका जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये पैरों में ना हल्का सा चुभ रहा है, मतलब इसकी जो शेप है ना वो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। मतलब जब बैठते हैं अपन बाइक को तो बाइक को कंट्रोल मैं नहीं कर पा रहा था पैरों से, मुझे कहीं ना कहीं एक्चुअली इसका सहारा लेना पड़ रहा था हैंडल बार का। तो बाइक नॉर्मली काफ़ी अच्छी है, बाइक की पावर की अगर बात करें तो BHP है 150 BHP, 1000 cc इनलाइन 4 सिलेंडर, 150 BHP, अ गुड बाइक। थोड़ी सी हैवीनेस है बाइक के अंदर, बट ऑल इन ऑल बाइक चलाने में अच्छी है, सिटी राइड्स के लिए बहुत ही अमेजिंग। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आप डेली कम्यूट करना चाहते हो जिससे और जिसमें अच्छी खासी पावर हो, तो ये एक आइडियल बाइक हो सकती है। बाइक चली हुई है 2500 किलोमीटर एंड अवेलेबल है NS1 पे, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हैं इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज़ एक और मुझे इस बाइक की लगी, दैट वॉज गियर शिफ्टिंग, एंड बहुत ही लो अपना स्पीड पे भी बहुत हाई गियर रेशियो पे आप इसको चला सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। फेदर टच इसका क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर था जो एक्चुअली इसकी राइड को बनाता था और ज़्यादा स्मूथ। तो अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, एंड अगर कोई भी बाइक की डिटेल चाहिए हो तो NS1 की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स। मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ कल शाम को 6 बजे टर्बो एक्सट्रीम गैराज पे, एंड उसके नेक्स्ट डे सेम यहीं पे ही सुबह 7:30 बजे टर्बो एक्सट्रीम पे। बाइक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एंड जो चीज़ मैंने ये वाली बोली थी नाम वाली, अगर नीचे कमेंट कर चुके हो तो कर दिया होगा, नहीं किया तो मुझे ज़रूर बताना वो भी कैसा लगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो।